सो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर वन यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लिथुवेनिया के लिए स्पेशल और अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हुई है। काफ़ी सारी डिटेल्स और अपडेट भी है लिथुवेनिया के लिए, जो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं। ठीक है जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिसने भी दोस्तों अप्लाई करना हो बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। ठीक है जी, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूँ। कॉन्टैक्ट दोस्तों जिसने भी करना है अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको लिथुवेनिया के लिए या और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनके लिए अप्लाई करना है, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप अपनी बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, और हमारी टीम के साथ बात करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। कंसल्टेशन चार्ज जैसे ही आप पे करते हैं उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं और साथ में अपनी कॉल की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही बात करें केवल और केवल। ठीक है, जिनको अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता है और जिन्होंने भी काम करवाना है, ये हमने आपको क्लियर करके वंस फॉर ऑल बता दिया है भाई। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अदर बल्गेरिया के लिए, इसके साथ साथ हंगेरी के लिए, रोमानिया के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी इच्छा है तो और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। अभी उसमें से काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी जल्द से जल्द जाकर देख सकते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी मिल जाएगी। साथ साथ फ्रेंड्स, किसी को भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए अगर नीड है, ठीक है, किसी भी शेंगेन कंट्री की किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी अर्जेंट अपॉइंटमेंट को बुक करवाने में आपके लिए। ठीक है जी, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमें अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप संपर्क कीजिए, आपको सारा प्रोसेस आगे का गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। क्योंकि भाई, अगर आपने कहीं से वर्क परमिट ले लिया तो वर्क परमिट जस्ट इज़ अ पीस ऑफ पेपर अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि वर्क परमिट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है अगर आपके पास सबमिशन कराने के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं है। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिथुवेनिया की। फ्रेंड्स, तो लिथुवेनिया के लिए जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, सैलरी पैकेज भी है और जो कंपनी है दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही है इसमें। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। इसमें रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। सबसे नंबर वन पे वेयर हाउस हैं दोस्तों कंपनी के, बहुत बड़े बड़े उसमें काम है। ठीक है, तो वेयर हाउसेस में जो काम होता है जनरल वर्कर का काम है। ठीक है, इसके लिए अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हम आगे कंपनी को दोस्तों आपका रिज्यूम भेजकर चेक करवा लेंगे क्या एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। अगर बनती होगी तो आपको हम ऑन द स्पॉट बता देंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है ये आई है दोस्तों वेयर हाउस असिस्टेंट की। वेयर हाउस असिस्टेंट की दोस्तों प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है जी, इसमें काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लिथुवेनिया के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट निकलती है। क्योंकि अब दोस्तों लिथुवेनिया का जो वर्क परमिट है वो बहुत ही रेयर कंपनीज जो हैं दोस्तों और बहुत ही बड़ी बड़ी रिनाउंड कंपनीज हैं वही इशू करने की उनके पास एक्सेस रहेगी। ठीक है जी, और बाकी के जो वर्क परमिट है हो सकता है वो डिनाई भी हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा खासा। ये भी मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन अप्लाई इस समय कर सकता है। ठीक है जी, तो जो तीसरे नंबर की रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है हमारे बारटेंडर भाई की। तो जो रिस्पेक्टेड बारटेंडर भाई हैं दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। ठीक है जी, एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, अगर किसी गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, और भी किसी आपकी होम कंट्री का एक्सपीरियंस है या डिग्री या डिप्लोमा है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे दोस्तों। ये आपने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है, फ्रेशर भी है तब भी कंसीडर कर सकते हैं, एक बार अपनी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तो हम आपको रिवर्ट कर देंगे उसके बारे में। ठीक है जी, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे हमें सवाल आ रहे हैं लिथुवेनिया की अपॉइंटमेंट रिलेटेड। दोस्तों लिथुवेनिया की अपॉइंटमेंट भी अगर आपको अर्जेंट चाहिए, जैसे मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको इमीडिएट अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब इसकी सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं। पहले सैलरी पैकेज जो रहने वाला है दोस्तों, इन सभी प्रोफाइल का मैं आपको वन फॉर ऑल बता देता हूं ताकि आपकी सुविधा के लिए आसान होगा। तो इसमें सभी जो प्रोफाइल्स हैं दोस्तों, इसमें जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेकर 1400 यूरो के इन बिटवीन रहने वाली है। ठीक है जी, ऊपर और नीचे हो सकती है, मोर लेस हो सकता है, पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं होती और वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी भी नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा आएगा वही सैलरी आपकी फाइनल हो जाएगी। ठीक है जी, ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकती है भाई, नो इफ नो बट। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि लिथुवेनिया के लिए
आज की डेट में दोस्तों इमिग्रेशन के रूल्स जो हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब लिथुएनिया का वर्क परमिट जैसे पहले होता था आज से 5 साल 6 साल पहले, अब इतना आसान नहीं है दोस्तों उसका वर्क परमिट अप्रूव होना और वर्क परमिट भी मिल जाना, ठीक है जी। अब जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं क्योंकि इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो डे बाई डे बदलती हैं। हम क्लोजली फॉलो करते हैं दोस्तों, क्लोजली हम वॉच करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे जो इंटरनल पर्सन हैं उनके भी टच में रहते हैं। तो ऐसी अपडेट हम आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहते हैं जिसमें आपका भी कुछ बेनिफिट हो पाए दोस्तों, तो हमें बड़ी खुशी होती है इसके लिए। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि लिथुएनिया का या शेंगेन की और भी किसी कंट्री का अगर आपके पास रिफ्यूज़ल है, क्योंकि रिफ्यूज़ल वाले बहुत सारे सवाल हमें लगातार आते रहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी रीसेंट कैंडिडेट का अपना जो प्रोसेस है बता देता हूँ। एक हमारे कैंडिडेट हैं दोस्तों रिस्पेक्टेड, जिनके शेंगेन से 4 बार रिफ्यूज़ल थे, ठीक है जी, 4 अलग अलग कंट्रीज से उनका 4 टाइम शेंगेन से रिफ्यूज़ल था। वो दोस्तों काफ़ी उदास थे, उन्होंने कहीं से अप्लाई करवाया था, ठीक है, उनका काम नहीं बन पाया, ठीक है, वीज़ा इंडस्ट्री है दोस्तों, येस और नो तो हो ही सकता है। लेकिन दोस्तों जब हमने उनकी प्रोफाइल देखी और जब हमने उनके रिफ्यूज़ल लेटर पढ़े तो हमें उनके एक्चुअल रीज़न का पता चला, ठीक है जी। तो एक्चुअल रीज़न को आइडेंटिफाई करने के बाद अब फिफ्थ अटैम्प्ट में उनका स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आ चुका है। बहुत बहुत मुबारक उन कैंडिडेट को, स्पेशली क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, ठीक है जी, और हमसे कॉन्टैक्ट किया और उनका काम बनाने में हमारी जितनी भी हेल्प हो पाई हमने की, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि उनका काम हो नहीं सकता था दोस्तों, लेकिन हाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है, ठीक है जी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक ही बार लोग रिफ्यूज़ होते हैं तो ही डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि भाई रिफ्यूज़ हो गए। तो फ्रेंड्स वीज़ा जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिएगा भाई कि वीज़ा येस और नो दोनों ही हो सकता है, ठीक है जी। वीज़ा में आप ये मत पूछा करिए कि भैया हमारा वीज़ा कब आएगा, वीज़ा नहीं होता दोस्तों, वीज़ा के चांसेस होते हैं डिसीजन कब आएगा, ये वर्ड यूज होता है कि वीज़ा का डिसीजन कब आएगा, इस वर्ड को अपने दिमाग में रख लीजिए भाई, ठीक है जी। काफ़ी लोग हमसे कमेंट भी पढ़ते हैं कि सर हमारा वीज़ा कब आएगा, तो भाई वीज़ा कब आएगा ये एम्बेसी वालों के ऊपर है, ये आपके और आपके कंसल्टेंट के ऊपर नहीं है, ठीक है जी। तो वीज़ा नहीं डिसीजन, वीज़ा का डिसीजन कब तक आएगा ये पूछेंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमें भी बार बार कमेंट करने के बताने में मुश्किल होती है भाई, ठीक है जी। तो सिंपल मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। अब इसमें डॉक्यूमेंट की भी दोस्तों काफ़ी मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है जी। अगेन आपको कोई सवाल हो तो आप कंसल्टेशन बुक कर टाइम लेकर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। रिफ्यूज़ल है 10 बार भी है, 8 बार भी है, कितनी बार भी है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपके रिफ्यूज़ल के एक्चुअल कारण को आइडेंटिफाई करके उसको दोस्तों कवर करके दोबारा आपकी फाइल लगाने में आपकी पूरी सहायता की जाएगी, जो हमारे साथ एक्सपर्ट टीम काम करती है दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज़ में दोस्तों जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए डील करते हैं, तो डायरेक्ट दोस्तों आपका काम उनसे करवाया जाता है और जिसकी भी अच्छा है वो अपना काम करवा सकते हैं दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन हम क्लियर कर देते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको अच्छी लगे भाई आप काम कराइए, नहीं अच्छी लगे तो भाई बिल्कुल भी मत कराइए, मर्जी आपकी है भाई, क्लियर करके बता दिया मैंने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।